रिंग रोड टू फेज टू। हेलो नमस्कार, कैसे हो सब लोग। स्वागत है एक नई वीडियो में। ये जो सामने पिलर दिख रहा है, ये रिंग रोड टू फेज टू का निर्माण हो रहा है। ये रेलवे लाइन है, नई वाली रेलवे लाइन है और एक पुरानी वाली रेलवे लाइन है, उधर भी एक पिलर बन रहा है। यहाँ पर आरओबी का निर्माण होगा, रेलवे ओवरब्रिज का। तो आज मैं दिखाने आया हूँ आपको रिंग रोड टू फेज टू का निर्माण हो रहा है, कितना निर्माण हो गया है और कब तक कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्चुअली उधर भी काम जोरों पे चल रहा है, उधर जाने लायक नहीं है, नहीं तो मैं आपको जाकर दिखाता। उधर भी काम जोरों पे चल रहा है। इस रिंग रोड की लंबाई पूरी 27 किलोमीटर है और ये चंदौली ज़िले के पचपेड़वा से संधाहा में जाकर मिलेगा। यहाँ पर दो पिलर का निर्माण हो रहा है, एक पिलर आधा हो गया है, एक पिलर में थोड़ा काम चल रहा है अभी। हालांकि काम जोरों पर चल रहा है, अमर उजाला के मुताबिक ये मार्च 2022 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन अभी कोई ठीक नहीं कब तक कंप्लीट होगा। बने रहिए वीडियो में, चल के दिखाते हैं आगे से कितना पिलर बन गया है, कब तक कंप्लीट होगा। यहाँ इस पिलर पर जितना पिलर बन जाता है इस पर डेट भी लिखा है, DOC डेट ऑफ कंप्लीटेड 26/2/2021। एक्चुअली यहाँ से आरओबी है और आरओबी के बाद यहाँ से ग्राउंड पे आएगा रोड, फिर आगे चल के ऊपर हो जाएगा, आगे से ब्रिज पे हो जाएगा रोड। ये देखिए काम जारी है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, ये पानी निकालने के लिए लग रहा है। ये दोनों साइड, उस साइड भी और इस साइड भी, ये सर्विस रोड है दोनों साइड। 4 लेन ऊपर से और 2 लेन नीचे से, टोटल 6 लेन बन रहा है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, चल के आगे तक दिखाते हैं। ये काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है, 900 से 1000 करोड़ के बीच का प्रोजेक्ट है, चलते हैं। ये जो ऊपर का बीम रखा जाता है वो बन रहा है, देखो कब तक कंप्लीट होता है रोड। एक्चुअली रोड बन जाने से लिए वाराणसी को तो वरदान साबित होगा ही, लेकिन चंदौली के और बिहार के लोगों को बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। काम चल रहा है जोरों पे, क्या पता कब तक कंप्लीट होगा ये। हालांकि मार्च 2022 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारा काम बचा है इसमें। देखिए डबल डबल करके प्लेयर बना है, कब तक इस पे चलने का मौका मिलता है वो कंपनी को ही पता होगा। जो जो पिलर जब जब का बन गया है तब तक उस पर डेट लिख गया है कि कब का तैयार है पिलर। ये सामने जो दिख रहा है पिलर 24/3/2021 का तैयार है और 27/2/2021 का तैयार है। अरे सब पिलर पे डेट लिखा हुआ है कौन पिलर कब का तैयार हो गया है। दोस्तों ये रिंग रोड फेज टू चंदौली का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके बन जाने से चंदौली के लोगों को काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि जिन लोगों को आजमगढ़, गोरखपुर, जौनपुर जाना होता था वो वाराणसी होकर जाते थे, इसके बन जाने से यहीं से डायरेक्ट निकल जाएंगे वो जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, जिनको जहाँ बलिया, जिनको जहाँ जाना हो। ये पचफेड़वा गाँव है, यहाँ पचफेड़वा गाँव से उस पार से स्टार्ट होगा ये रोड और संधाहा गंगा उस पार गोरखपुर रोड में मिला देंगे इसको। तो भाई ये है विकास, आप कोई पूछे तो ये मत बोलना। विकास पहुंचा है आपके गांव में? विकास हम नहीं थे यहाँ सर, हम बीमार थे, डॉक्टर के नहीं। ये सामने दिख रहा है हाईवे NH2 है, दिल्ली कोलकाता हाईवे, इसके उस पार से ले जाकर ये रोड इसी रोड में मिल जाएगा फिर से। चलिए दिखाते हैं उस पार तक कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ मिलेगा। अभी ये दोनों पिलर जो सामने का पिलर है वो अभी उसका निर्माण जारी है, अभी निर्माण हुआ नहीं है अच्छा से। इस NH2 के ऊपर ब्रिज जाएगा और वैसे जाकर फिर इसी रोड में आकर मिल जाएगा ये रोड। ये नीचे नहर है उसलिए ब्रिज बनाया गया है, ऐसा लगता है कि इस ब्रिज को भी उसी रोड में मिलाने वाला है।
और यहाँ तक बना है पिलर, इसके आगे कितना पिलर बनना बाकी है तो मार्च 2022 तक कंप्लीट होना उम्मीद से बाहर है। और जिनको जल्दी जाना है रिंग रोड 2 फेज 2 पे तो रुको जरा, सबर करो। अब देख सकते हैं इतना ही उसमें काम अभी जारी है, बना है इतना ही बस, और इसके आगे अभी बनाकर ऐसे ले जाकर उधर लास्ट में ले जाकर रोड पे मिलाना है। तो 2024 तक शायद कंप्लीट हो जाए, 2022 में तो कह नहीं सकते हैं लेकिन 2024 तक कंप्लीट हो जा सकता है। और जो गंगा नदी पर ब्रिज का निर्माण हो रहा है जल्द ही इस चैनल पर वीडियो आएगा, वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर से ज़रूर। तो भाई साहब यही है रिंग रोड 2 फेज 2, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।